नमस्कार दोस्तों, मय सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर टच करिएगा। नया वीडियो पाते रहेंगे आप, आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो ये पढ़ें एनसीईआरटी पैटर्न का नया सिलेबस इन हिंदी माध्यम। ये क्लास 12 का गणित भाग 1 है। भाग 1 का जो है पाठ का नाम संतता तथा अवकलनीयता का प्रश्नावली 596 का जो है 8वां प्रश्न मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये दिया है x इजकल टू इतना a ब्रैकेट में cos t प्लस log 10 t/2 ब्रैकेट बंद, फिर y बराबर a sin t। दो प्रकार के समीकरण दिए रहते हैं और कहता है कि इसमें आप क्या करना है, आपको dy dx ज्ञात करना है। तो dy dx ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमारा समीकरण x इजकल टू a cos t log 10 t/2। तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx डॉट dt हो गया। ये cos t है तो बगल में ही रहेगा, sin cos t क्या हो जाएगा, माइनस sin t। अब देखिए ये log 10 t का हो जाएगा क्या, 1/10 t/2। आपने पढ़ा होगा कि log x का 1/x होता है, इस प्रकार यहाँ log 10 t/x के जगह 10 t/2 पूरा है तो 1 इतना हो जाएगा। फिर इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec² t/2। ठीक, अब हम इसके एंगल का करेंगे एक बार, तो ये एक के एंगल के करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि t का मान 1 हो जाएगा, इसलिए 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। यहाँ से इसको माइनस साइन टी, ये प्लस sec² t/2, नीचे 10 t/2 गुड़े 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये dx/dt हो गया। अब हम पहले दूसरा समीकरण क्या दिया है, y बराबर a साइन टी, तो इसको भी अवकलन करेंगे तो देखिए dy/dt ये हो जाएगा a cos t हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ज्ञात करना है क्या, dy/dx ज्ञात करना है। तो dy/dx ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए dy/dx ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा dy/dt/dx/dt हो जाएगा। इस तरह से ये इसमें मान रखेंगे, dy/dt का मान क्या था, a cos t, और dx/dt का मान क्या था, ये मान यहाँ है देखिए, तो a माइनस साइन टी प्लस sec² t/2 10 t/2 गुड़े 1/2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे इसकी बना छोटा इसको बनाएंगे तो a से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, a के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटा माइनस साइन टी प्लस ये sec² t/2, यहाँ ये 10 t/2 गुड़े 1/2 है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा, हम इसको बदलते हैं, इसको sec² t को हम लिख सकते हैं 1/cos² t/2। ठीक है, इसको sin t/2 / cos t/2 लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं cos t बटा ये तो माइनस साइन टी है, इसको लिखेंगे हम 1/cos² t/2 और इसको यहाँ sin t/2 / cos t/2 ध्यान रहे ये बड़ा हो। ठीक है, ये बड़ा जो है बटा है, 1/cos² t हो गया cos² t/2 और ये sin t/2 / cos t/2 पूरे 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ठीक है cos t हो गया, ये पलट जाएगा माइनस साइन टी है, ये पलटेगा तो 1/cos² t/2 तो रहेगा ही, ये cos t/2 ऊपर जाएगा, नीचे sin t/2 गुड़े 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये cos t - sin t, ये cos t से cos t/2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 cos t / 2 sin t/2। ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 मल्टीपल में है, ए cos² t/2 है, cos t/2 है, देख cos एक cos कटेगा यहाँ,
तो कास्ट डी वाई टू नीचे बच जाएगा एक, ठीक है, यहाँ बच जाएगा नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बच गया। अब देखिए टू कॉस टी बाई टू साइन टी बाई टू का फार्मूला क्या होता है, टू कॉस टी बाई टू और साइन टी बाई टू का फार्मूला होता है ये साइन टी, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा यहाँ साइन टी हो जाएगा, तो हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स कॉस टी बटा माइनस साइन टी था, तो यहाँ नीचे हो जाएगा यहाँ साइन टी, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं स्टेप, ये कॉस टी ये आगे बढ़ेगा तो साइन स्क्वायर टी प्लस वन बटा ये साइन टी ऊपर चला जाएगा, साइन टी कॉस टी बटा वन माइनस साइन स्क्वायर टी। अब चाहे इसको और भी बदलना चाहते हैं तो ऊपर नीचे दो से गुणा कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये हो गया साइन टू टी, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ ये कॉस स्क्वायर टी हो गया, फिर इसको टू साइन टी नहीं बदलते हैं, उसी तरह से रहते हैं रखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टू कॉस टी इंटू कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कट गया, दो से दो कट गया, साइन टी बटा कॉस टी ये आ गया टेन टी, इस प्रकार ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लगा होगा तो लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।